दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल आज हम होली का दिन है और आज हम निकले हैं चंडीगढ़ जाने के लिए अपने बेटे के पास। उसको बिकॉज वो होटल इंडस्ट्री में काम करता है, उसको हॉलीडे नहीं है, पर हम लोग अपने छुट्टी में वो मिलने जा रहे हैं। तो अभी सुबह 7:40 की शताब्दी हमने पकड़ी है, कालका शताब्दी, जो दिल्ली से 7:40 पर चलती है मॉर्निंग में और लगभग 3 घंटे बाद पहुंचा देती है चंडीगढ़। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों भी जा रहे हैं। अभी हम लोग शताब्दी में ही है, अभी चाय पी है हम लोगों ने और नाश्ता मिलेगा अभी। दोस्तों ये पानीपत जंक्शन है। पानीपत अपनी 3 लड़ाइयों के लिए बहुत फेमस है और इसके साथ साथ अब लड़ाइयाँ तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब यहाँ पर हैंडलूम का बहुत काम होता है, जिसमें चादर, ब्लैंकेट और हैंडलूम के जितने भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ बहुत बनती है और यहाँ के अचार बहुत फेमस है। ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये है कुरुक्षेत्र, ये दूसरा स्टेशन है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। तो आ गए हैं चंडीगढ़ स्टेशन पे, अब यहाँ से उतर के अपने बेटे के पास होटल चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. तो ये है हमारा होटल, होटल ओबराय सुख विलास, जो चंडीगढ़ से करीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत वाटर बॉडी, बहुत अच्छी है। ओबराय की विलास प्रॉपर्टी नो डाउट सारी अच्छी है। हम लोगों ने अभी इससे पहले उदय विलास उदयपुर में भी देखी थी और ये सुख विलास में हमारा ये पहला टूर है। बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है। अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्मी नहीं है लेकिन हाँ धूप तेज है। ऐसा फीलिंग आती है किसी राजमहल में आ गए हम।
लॉबी से अगर अपने रूम में जाना तो आप बग्गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी मुझे वीडियो बनानी थी तो अभी हम पैदल आ रहे हैं और मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए सर, फ्लावर्स देखिए, बहुत प्यारे प्यारे फूल पौधे लगे हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल। आ जाओ इधर से। ये देखिए आप, ये क्या बोलेंगे ने? टर्की एंड डॉक्स। They are annoyed. ये एंट्री है हमारे रूम ब्लॉक में जाने के लिए। Our room number is 401. आइए अब आपको अपने रूम की सैर कराते हैं। This is welcome to Sukh Vilas. Sorry, S पे मेरा पैर पड़ गया तो S थोड़ा भी डिलीट हो गया। Otherwise, heater. वर्किंग डेस्क, फ्रेंच विंडोज लगाई है जो काफी अच्छी है, टीवी है, मिनी फ्रिज, टी कॉफी कॉफी मशीन भी है। ये सब चार्जेबल बेसिस पे है, डजंट मैटर। हमारे लिए केक का इंतजाम किया गया था, वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस, और होली के लिए मिठाई बहुत अच्छी थी। ये स्पेस फॉर सिटिंग विद फ्रेंच विंडोज के साथ, बहुत बढ़िया। ये है हमारा बेड, वेल डेकोरेटेड रूम, वेल इक्विप्ड रूम, रेडियो प्लस अलार्म दिया है। इस रूम की खासियत यह है, जितने भी सारे फंक्शंस हैं ये आप इस टैबलेट के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ये आईपैड दिया है, इसी के थ्रू टच स्क्रीन से आप सारे इसके फंक्शन यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, सो यू आर रिलैक्सिंग नाउ।
ये आगे सैर कराता हूँ। दिस इज द ड्रेसिंग एरिया। लॉकर, आयरन बोर्ड, आयरन, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। क्लोजेट दिया है इन्होंने। और ये है इनका लेविश बाथरूम। दो वॉश बेसिन हैं। बाथटब देखिए विद ओपन व्यू, आप एंजॉय कर सकते हैं। टीवी भी है, आप बाथटब में टीवी देखते देखते एंजॉय कर सकते हैं। शावर पैनल इन्होंने अलग दिया है। जो एक्सक्लूसिव है, जो अभी तक हमने शायद कहीं नहीं देखा है, कि इनका कमोड सब ऑटोमेटिक और सेंसर बेस है। अभी जैसे मैं पास आया ये ओपन हो गया। ऑटो क्लीनिंग है, ऑटो वॉश करता है, बहुत अच्छा है। मैंने किसी से पूछा था, इट इज कॉस्टिंग वर्थ 4 lakh rupees ऑफ कमोड। बहुत बड़ी बात है भाई, घर पे तो नहीं लगवा सकते, बट यहाँ जरूर एंजॉय करेंगे। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, नो डाउट पैसा भी अच्छा होगा, बट हाँ आप एंजॉय कीजिए इसे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा इस होटल में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, साइकिलिंग है, गो कार्टिंग है, ये सब चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। साइकिलिंग फ्री है, गो कार्टिंग या बाकी जो आज सीरीज वगैरह है उसके वो चार्जेस चार्जेबल बेसिस पे है, ठीक है। अगर आप आए हैं इतने दूर रिजॉर्ट में एंजॉय करने के लिए, तो इतना आपको भारी नहीं पड़ेगा और आप मज़े करेंगे। स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा है, अभी मैं उस साइड पर गया नहीं, जब जाऊँगा तो वहाँ का भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। तो मिलते हैं फिर बाद में, जैसे वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू।